आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। भाटपरानी 340 विधानसभा के अंतर्गत ये गांव सिकराहटा, और यहां पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं भाजपा का कैंडिडेट को लेकर के। हर प्रत्याशी का एक एक उम्मीदवार घोषित हो चुका है, सपा से, बसपा से, कांग्रेस से। बीजेपी अभी तक अपना नाम सामने नहीं लाई है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है। मेरा नाम प्रदीप कुमार। अच्छा सर, ये बताइए कि भाटपरानी से जो भाजपा ने अभी तक अपना कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं किया है, क्या उम्मीद लगता है आपको? बीजेपी तो अब तो कैंडिडेट निश्चित नहीं की है। अगर देखा जाए पुराना रिकॉर्ड तो यहाँ जो बीजेपी पिछले चुनाव में जो टक्कर दिए थे श्री जयनाथ कुशवाहा और गुड्डन जी, जो भाजपा को काफ़ी मजबूती मिला उनके आने से, और चुनाव हार जाने के बाद भी आज के डेट तक जो है वह जनता के बीच लगे हुए हैं, जितना कि इसके पहले कोई बीजेपी कैंडिडेट जो है मजबूत नहीं कर पाया पार्टी को। अगर इनको टिकट मिलता है तो निश्चित ही 101% उम्मीद है कि जनता उनको जो है सदन तक पहुंचाएगी। अगर दूसरे किसी को मिलता है तो हमको उम्मीद नहीं दिखाई देता कि भाटपर में कोई टक्कर दे पाएगा विपक्षी पार्टी को। मात्र के यही उम्मीदवार हैं जो कि टक्कर दे सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर इनको टिकट मिलता है तो ये टक्कर दे सकते हैं विपक्षी पार्टी को। ठीक है भाई साहब, आपका नाम क्या है? कचगौर। क्या लगता है आपको किसको टिकट मिलना चाहिए? जयनाथ कुशवाहा को मिलना चाहिए। और भी तो नेता है बीजेपी के? कोई बीजेपी का नेता नहीं है, बस जयनाथ हैं कि जो बाबा को हरा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तो बीजेपी इतना असमंजस क्यों किए? अब वो जाने, उसका कारण वही सब ऊपर वाले जानते हैं। चलिए, कुछ ना कुछ तो समीकरण बना रही होगी जिसको लेकर के सभी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं अभी तक हताश बैठे हैं कि आखिर किसको टिकट मिल रहा है। वही रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग गांव में निकले हैं और यही जानने की कोशिश करते हैं कि भाई किसको टिकट मिलना चाहिए। तो आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए, बताइए। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो कहूँगा कि जयनाथ गुड्डन को ही टिकट मिलना चाहिए, इसलिए कि वह आदमी जनता के बीच हारने के बाद भी आज भी मौजूद है, और वही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बीजेपी का परचम यहाँ लहरा सकता है, बकिया कोई नहीं लहरा पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका नाम जानना चाहेंगे हम। लक्ष्मण पाल। क्या नाम है? लक्ष्मण पाल। भाटपरानी से बीजेपी का उम्मीदवार कौन हो सकता है? जयनाथ कुशवाहा जी, उनको होना चाहिए। और भी नेता तो हैं, अश्वनी जी हैं और ये सभा कुंवर हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं? जी नहीं, जयनाथ कुशवाहा जी को मिलना चाहिए। जयनाथ कुशवाहा जी, आपका नाम क्या है? राजन कुशवाहा। क्या लगता है आपको भाटपर से किसका टिकट क्लियर होगा? टिकट तो ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, लेकिन हमारी जहाँ तक मत है और जो समीकरण है अभी तक विधानसभा का, ये इसमें जयनाथ कुशवाहा गुड्डन जी को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो ये चुनाव हारने के बाद भी लगातार कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के लिए, पूरी विधानसभा की जनता के लिए अपना दिन रात एक किए रहते हैं, और अगर इनको टिकट नहीं मिलता है तो यहाँ से फिर कार्यकर्ता बहुत हताश हो जाएंगे। और भी बीजेपी में नेता हैं, लेकिन इनके जैसा कर्मठी और दिन रात एक करने के लिए जो कार्यकर्ताओं के लिए लगे रहते हैं, ऐसा अभी तक कोई नेता नहीं है। और नेता हैं जिनको अभी बहुत सारे, नाम तो मैं नहीं लूँगा किसी का, लेकिन ऐसे नेता हैं जो लोग अभी चुनाव, उनको टिकट मिला भी नहीं है लेकिन अपना प्रोटोकॉल एक अलग बनाए हुए हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता की तरह रहते हैं और कार्यकर्ताओं के लिए काम करते हैं। तो हम चाहेंगे कि जयनाथ कुशवाहा गुड्डन जी को टिकट मिले और वही विजयी यहां से दिला सकते हैं और वही इतिहास बदल सकते हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए कि अगर बाई दबे जयनाथ कुशवाहा जी को अगर टिकट भाजपा नहीं देती है, किसी और नेता को दे देती है, तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या करेंगे? मतलब कुछ उनके अंदर क्या क्या भावनाएँ आएगी?
देखिए जाति की बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन लगभग पूरे प्रदेश में देखा जाए एक जाति समीकरण भी देखा जाता है, और हमको लगता है कि लोग जाति की तरफ आकर्षण भी होते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जयनाथ कुशवाहा गुड्डन जी को टिकट नहीं देती है तो एक बसपा के प्रत्याशी हैं अजय कुशवाहा, तो कुशवाहा समाज उनके तरफ डाइवर्ट होगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पर चली जाएगी, और बसपा का प्रत्याशी जो होगा वो दो नंबर पर चला जाएगा, और जो वर्तमान विधायक है वो फिर से विजयी हो जाएगा। यही यहाँ का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा मुझे। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। राजेश चंद पांडे। तो आपसे भाटपरानी 340 विधानसभा है, यहाँ से टिकट सबका क्लियर हो गया हर पार्टी का, लेकिन भाजपा का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? तो इस पर क्या कहना चाहे, पार्टी नेतृत्व तो जाने। आपके हिसाब से मतलब यहाँ पे बीजेपी के मतलब दो तीन नेता दिख रहे हैं, तो आपके हिसाब से किन को टिकट मिलना चाहिए? शायद हिसाब से तो सभा कुंवर जी को मिलना चाहिए। भारत पर विधानसभा जो 340 है, यहाँ से हर पार्टी का टिकट क्लियर हो गया है कि एक नेता उस पार्टी का मतलब सामने आ गया है? बीजेपी का भी कोई नेता का कोई नाम सामने नहीं आया है, कौन आ सकता है? अश्वनी सिंह। अश्वनी सिंह, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राणा प्रताप सिंह। वैसे राणा प्रताप सिंह किसको टिकट मिलना चाहिए? सोनी कुमार सिंह युवा नेता है और पहली बार जो है बीजेपी में 5 साल से घूम रहे हैं, अब चार क्षेत्र में जो है अपना जाल फैलाए हुए हैं। अश्वनी कुमार सिंह एक बार निर्दल लड़ चुके हैं और अश्वनी सिंह जो है पूरे क्षेत्र में जन जन व्याप्त हैं। चलिए इसी क्रम में मैं कुछ लोग यहाँ पे हैं, इनसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। छोटू यादव। छोटू यादव, तो पार्टी से होंगे किसी न किसी? पार्टी से नहीं है हम, कोई पार्टी से नहीं है। अच्छा, आप कोई पार्टी से नहीं है, तो ये बताइए बीजेपी का कौन सा चेहरा यहाँ आना चाहिए भाटपर में? बीजेपी का चेहरा कोई भी आए यहाँ से, बबलू बुआ यहाँ से जीतेंगे। वो तो अलग बात हो गया, मैं जो पूछ रहा हूँ वो चीज़ बताइए। वो तो लड़ाई उनकी है, बीजेपी से लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, किसको टिकट देना चाहिए? उम्मीद क्या है आप लोगों का, मतलब किसका हो सकता है? दो तीन चेहरा है जैसे कि सभा कुंवर हो गए, गुड्डन जी हो गए, फिर अश्वनी कुमार सिंह है, तो पार्टी किसको टिकट दे सकती है, कुछ उम्मीद बताइए। ये पार्टी निर्भर करेगा, वो उसका फैसला है। पार्टी ने फंसा क्यों रखा हुआ है इतना, कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा झेला रही है, क्या मतलब है? कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकड़ा है क्या यहाँ पर? वो कंफ्यूज हो गई है ना, यहाँ पर आज तक बीजेपी जीती ही नहीं है, जिसको देगी हारना तो तय है। अच्छा ये बताइए सबसे पहले आपका नाम क्या है? हमारा नाम संजय कुमार तिवारी है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे लगभग 3 पार्टी का टिकट क्लियर हो चुका है, नाम भी घोषणा है कि भाई फलाना उस पार्टी के, फलाना उस पार्टी के, बीजेपी अभी तक अपना नाम नहीं सामने लाई है, 3-4 नेता हैं, किसको टिकट मिलेगा? ऐसा है कि सरकार अगर क्लियर नहीं कर पा रहे कि कुछ पार्टी को माने किसको टिकट दिया जाए, इसी के हिसाब से यहाँ हार जीत में है मामला। तो हार जीत, चलिए वो बीजेपी का मुद्दा है कि भाई कि कुछ ना कुछ मंथन चल रहा होगा, लेकिन नेता तो 4 हैं, एक नेता तो है नहीं बीजेपी के, तो उसमें से आप बताइए किसको टिकट मिलने की उम्मीद है, किसको टिकट मिलना चाहिए? हाँ अश्वनी जी को मिला जाए। अच्छा अश्वनी जी को मिलना चाहिए, आपके हिसाब से? अश्वनी जी को। आपके हिसाब से भैया? अश्वनी भैया को। चलिए पीछे भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, थोड़ा सामने आ जाओ। बता रहे भैया, बताओ। सर भारत पर 340 विधानसभा से कांग्रेस का कैंडिडेट क्लियर है, सपा का क्लियर है, और बसपा का भी क्लियर ही मान के चलिए। बीजेपी अभी तक अपना कैंडिडेट सामने नहीं लाई है, क्योंकि नेता यहाँ पे 3-4 दिख रहे हैं, तो आपके हिसाब से किसको टिकट मिलने का चांस है? अश्वनी भैया। अश्वनी जी, चलिए बहुत अच्छा, थोड़ा सामने आ जाइए। क्लासमेट रहे हैं जी, मैं उनके साथ पढ़ा लिखा हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है राजू कुमार योनी, मैं मालवीय से हूँ, उनके साथ में पढ़ा, उनका मैं बैचमेट रहा हूँ जी। हाँ, तो आपके हिसाब से उनको मिलना चाहिए? चलिए आइए चाय पे चर्चा कुछ करते हैं, चाचा लोग हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करेंगे। चाचा क्या हाल चाल है? आपका शुभ नाम? संजय कुमार सिंह। भाटपरानी से भाजपा में किसको टिकट मिलना चाहिए? अश्वनी को मिलना चाहिए। अश्वनी जी को मिलना चाहिए, आपके हिसाब से चाचा जी? वही है, अश्वनी जी को मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग समर्थक हैं उनका। चलिए तो यहाँ की जनता जो है क्या चाहती है, बदलाव लाना चाहती है, या कुछ ना कुछ मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी सरकार अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है कि भाटपरानी 340 से कोई भी कैंडिडेट क्लियर अभी तक नहीं की, जिससे लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता लोग भी परेशान हैं। तो इसी क्रम में कुछ लोगों से हमने बात किया,
और जी जी बताइए। भाजपा के मैं बुद्ध अध्यक्ष भी हूँ, मैं चाहता हूँ कि अश्वनी को टिकट मिले। अच्छा देखिए, ये भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं और ये खुद चाहते हैं कि अश्वनी जी को टिकट मिले। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम है ईश्वर चंद शर्मा। अच्छा ईश्वर चंद शर्मा, तो अभी तक तो भाटपा रानी के जो विधानसभा है यहाँ से अभी भाजपा का कोई कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आया है? ना, अभी तक किसी का नाम नहीं आया है। क्या लगता है किसका आएगा? ये तो मैंने नहीं बता पाए किसका आएगा। अभी कुछ अंदाजा होगा कि किसका आएगा? दो तीन नेता हैं तो कुछ तो जानते होंगे आप। तो नेता ये जैसे इस समय दो आदमी का वर्चस्व दिखाई दे रहा है, जो मतलब लगता है कि इसमें कोई एक आदमी निकलेगा। वही नाम मैं जानना चाहता हूँ कि वो दो में से कौन सा नाम आप रखना चाहते हैं। तो जैसे उसमें ये अश्वनी कुमार का लगता है कि ये अगर मने ही होगा तो ये जीत जाएंगे चुनाव। चलिए एक इसी क्रम में आगे बात करते हैं। चाचा आप बताएं कि भाटपार से भाजपा का प्रत्याशी कौन हो सकता है? सभा कुमार और अश्वनी कुमार दोनों में से कोई एक होगा, यही लोग लड़ रहे हैं। अच्छा मतलब ये दो लोगों में से एक कोई हो सकता है। कुछ उम्मीद ज्यादा किसका है? अब उम्मीद जाति का आधार पर अगर जो है टिकट देते हैं तो सभा कुमार को टिकट मिल जाएगा और ऐसे जो है अश्वनी कुमार को भी मिल सकता है, लेकिन जातिगत आधार पर सभा कुमार को ही टिकट मिलना चाहिए। चलिए आपके हिसाब से मतलब जातिगत आधार पे सभा कुंवर को मिलना चाहिए, नहीं तो ऐसे अश्वनी जी को। किसकी सरकार बना रहे हैं? योगी जी की। अच्छा योगी जी की सरकार बना रहे हैं, तो भाटपा रानी से जो उनका टिकट जो है भाजपा का भी क्लियर नहीं हुआ है? अभी क्लियर नहीं हो जाएगा तो हम लोग तो उनके समर्थन में है। चाहे किसको किसी को भी टिकट मिले आप मतलब एकदम योगी जी का सरकार बनाएंगे। आपका भाई जी? मेरा भी वही इच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक दुकानदार हैं जो सब्जी का दुकान किए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास इनका थोड़ा दुकान दिखाओ बाबू, ये दुकान चला रहे हैं। और भाई जी ये बताइए कि किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। सरकार बीजेपी की बनेगी, उम्मीद क्या है कि टिकट किसको मिल रहा है भाटपा से? मिल जाएगा तो अश्वनी सिंह जीत जाएंगे। बस अश्वनी सिंह को टिकट मिल जाए तो अश्वनी सिंह जीत जाएंगे। चलिए ये कह रहे हैं अश्वनी जी को टिकट मिल जाए तो अश्वनी सिंह जी यहाँ से जीत जाएंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम ब्रजमोहन पटेल है, प्रधान प्रतिनिधि हूँ मैं। अच्छा प्रधान प्रतिनिधि हैं, ये बताइए कि भाजपा की। अच्छा भाजपा की सरकार बन रही है, ये भाजपा के प्रत्याशी कौन आ रहा है यहाँ से? भाटपा से लड़ने का जो नाम अभी तक नहीं आया है, कौन आएगा? गुड्डन भाई जयनाथ कुशवाहा। अच्छा भाई देवे गुड्डन जी को अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? हम भाई साहब नहीं रहेंगे। अच्छा इसके कहते हैं कि मतलब ये कार्यकर्ता जो जिस पार्टी के हैं और जिस नेता के साथ गुड्डन जी को अगर टिकट नहीं मिलता है तो ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी छोड़ करके मैं बैठ जाऊंगा, मैं पार्टी का साथ नहीं दूंगा। तो आपका कहने का मतलब ये कि मतलब गुड्डन जी को टिकट मिलना चाहिए? हाँ जयनाथ कुशवाहा जी को, गुड्डन भाई को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि वो 24 घंटा यहाँ सक्रिय रहते हैं और हमारे लिए बहुत काम किए हैं। हमारे गाँव में कोई वृद्धा विधवा पेंशन का नाम नहीं सुना था, लेकिन उनके लेटर पैड से राशन कार्ड और पेंशन काफ़ी पास करवाए हैं। हमारे गांव में काफ़ी काम दिए हैं, इधर 2 लाइन रोडें बनवाए हैं। अभी भी हमारे गांव में एक रोड खराब था बोला, अभी उसका गिट्टी गिर रहा है, काम हो रहा है। हमारे लिए हर वक्त एग्री रहते हैं, यहां पे एक्टिव रहते हैं, वो चाहे रात को 12 क्यों बज रहा हो। इसलिए हम गुड्डन भाई को चाहते हैं और गुड्डन भाई को टिकट मिलना चाहिए। चलिए इनके हिसाब से गुड्डन जी को टिकट मिलना चाहिए। ये एक भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं शायद। आपका नाम सर? विठन कुमार गोड़, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं, ग्राम सभा सोहनपुर से बिलोंग करते हैं। तो आपके हिसाब से भाजपा के जो यहाँ प्रत्याशी घोषित होने वाले हैं इसमें से टिकट किसको मिल जाए तो अच्छा रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, जब से 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश स्तर पर या प्रदेश स्तर पर योगी जी के नेतृत्व में भारत यहाँ 5,000 से 10,000 के बीच में कोई भी भाजपा का उम्मीदवार लड़ता था चुनाव उठ पाता था, लेकिन गुड्डन भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा ने उम्मीदवार बनाकर गुड्डन कुशवाहा जी को भाटपा रानी के लिए भेजा तो 50+51,700 भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उठ पाए थे। और लगातार 4.5 साल से जयनाथ कुशवाहा गुड्डन जी सबके गरीबों के सुख दुख में हर गांव में 1-2 इंटरलॉकिंग देना, वृद्धा पेंशन कराना, शौचालय कराना, किसी कार्यकर्ताओं के लिए जी जान से लग जाना,
जो भी उनसे हो संभव हो पाता है, कार्यकर्ताओं के लिए सुख दुख में, कोविड में हर घर के लिए सुख दुख में खड़े थे, दूसरे के कोविड को देखते हुए उनको खुद ही कोविड हो गया था, पूरा जीवन जान लगा दिए जनता के लिए, भाट परानी के लिए पांच, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी के नेतृत्व में 5 विधानसभा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई काम है हुआ है 5 विधानसभा में तो भाट परानी में हुआ है। भाट परानी 340 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह गाँव पड़ता है, इस गाँव का नाम है रतसिया, और मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ लोगों से कुछ चीज़ें जानना है चुनावी समीकरण को लेकर के। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है। सर, भाट पर विधानसभा में शायद पार्टी 3 पार्टी है, कांग्रेस, बसपा, सपा, बीजेपी, 4। तो 3 कैंडिडेट जो हैं वो नाम आ गया सामने, पूरी पब्लिक जान गई है, विधानसभा के लोग जान गए हैं कि कांग्रेस के फलाना है, सपा के फलाना है, बसपा के फलाना है। बीजेपी अभी तक अपना नाम ओपन नहीं किए, क्या कारण है? कारण ये हो सकता है कि जैसे पिछले बार के चुनाव में जयनाथ कुशवाहा गुड्डन जी थे जो पूरी तरह चुनाव को फाइट किए थे, और इस बार भी उनका जैसे टिकट कटने का ये बात आ रहा है परिवारवाद। मेरे अनुसार मैं व्यक्तिगत अपना विचार इस पर देना चाहूँगा कि अगर परिवार में कोई भी व्यक्ति, अगर 2 व्यक्ति हैं, अगर वो सांसद है, अगर उसका भाई अगर किसी चीज़ का तैयारी कर रहा है, अगर उसमें काबिलियत है, उस काबिलियत अनुसार वो उस पद को पाने के लिए हैसियत रखता है, तो बिल्कुल पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए और उसका समर्थन भी करना चाहिए। और मेरे ख्याल से पार्टी जो भी निर्णय लेगी सही लेगी और 1-2 दिन में इसका क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि अगर बाई दबे गुड्डन जी को टिकट नहीं देती है पार्टी, तो क्या जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं कुछ हताश निराश होंगे? बिल्कुल होंगे, कार्यकर्ता एकदम हताश होंगे जो पूरी लगन के साथ तैयारी किए हुए हैं। वो जयनाथ कुशवाहा जी का एक मेरा मतलब व्यक्तिगत एक ऐसा विचार है कि उनका एक छवि लोगों के प्रति मतलब कि कुछ अलग है, उनका सम्मान, व्यक्तिगत सम्मान जैसे वो देते हैं वैसे मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि जैसे उनका सम्मान मतलब हर जगह पा जाए या मिलता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम जानना चाहेंगे? शुभ नारायण कुशवाहा। कौन आएगा भाटपर से बीजेपी का उम्मीदवार? भाटपर से जयनाथ जी आएंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया है अभी तक जो कार्यकर्ता जितने भी दिखे हैं ना भाजपा के, सबसे बेस्ट दिख रहे हैं और सबसे बेस्ट को ही सबसे पहला स्थान दिया जाता है। आपका नाम बाबू? राहुल कुशवाहा है। कौन आ रहा है भाटपरानी से? जयनाथ कुशवाहा जी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम है राणा प्रताप सिंह कुशवाहा और मेरा ग्राम निवासी है इंगरीसराय। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा अभी अपना कैंडिडेट सामने नहीं लाई है, क्या लगता है कौन आने वाला है? जी बिल्कुल, 6 बजे तक कभी हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या शाम को 6 बजे तक क्लियर हो जाएगा। आपको क्या लगता है कौन, कुछ उम्मीद रखे होंगे ना कौन आ रहा है भाजपा से? अगले बार तो उम्मीद रखे थे तो जयनाथ सिंह गुड्डन भैया आए थे, लेकिन कुछ विरोधी पार्टी जैसे जातिगत समीकरण लेकर के इन्होंने विरोध किया, तो कुछ जैसे बड़े जाति थी जनरल कैटेगरी के लोग चाह रहे हैं अश्विनी भैया को, ठीक, तो हमको तो ये नहीं लगता है कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कोई प्रत्याशी आए। यहाँ पे जो है वो जातिगत ही कोई आएगा? हाँ, जातिगत ही आएगा तभी यहाँ पे वो सीट निकालना सही रहेगा। ठीक, चलिए इसी समीकरण में पूछना चाहेंगे, आइए आप। आपका नाम? जी, मानवेंद्र कुमार बर्नवाल। क्या लगता है कौन आएगा भाटपर से भाजपा के प्रत्याशी? देखिए, वैसे तो भाटपर रानी विधानसभा से मतलब प्रत्याशियों की भाजपा में कमी नहीं है, लेकिन ये है कि भाजपा जिसको भी देगी हम एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, भाजपा चाहे जिसको भी टिकट दे, हम भाजपा के साथ हैं। और लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पे, भाजपा से कौन से प्रत्याशी आएंगे भाटपर? तो सोचते हैं अश्विनी भाई आ जाए। अच्छा, अश्विनी भाई जी को आप सोच रहे हैं। आपका नाम हम जानना चाहेंगे? हमारा नाम मनीष कुमार है। ये बताइए, आपका घर यही है? हाँ, प्रॉपर यही मुरी बाजार में पड़ता है। तीनों पार्टी जो है अपना अपना प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और भाजपा अभी पेंडिंग में रखी है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमको तो उम्मीद लग रहा है कि मतलब अश्विनी कुमार सिंह जी को ही दिया जाएगा इस बार टिकट। अच्छा, भाजपा पूरे ग्रामवासी जो है खुल के सपोर्ट करेंगे उनका। अच्छा, अश्विनी जी को अगर टिकट मिलता है तो आप लोग सभी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हमने देवरिया जिला के भाट परानी 340 विधानसभा का जनता का मूड जाना। यहाँ बहुत सारी दावेदारियाँ देखी जा रही है, अब देखना है 2022 के इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी पड़ता है। कैमरामैन पुनीत के साथ सत्येंद्र शर्मा। तो आप
आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।